15 से 20,000 रुपीज के बीच में अगर आपको एक अच्छी 5.1 साउंड बार चाहिए तो आपके पास प्राइमरीली दो ऑप्शंस हैं, सोनी S20R और जेब्रोनिक्स की 9500 प्रो। जुक बार भी आता है कहीं नाम में बीच में, नाम को छोड़िए आपको जानना है कि इन दोनों में से बेस्ट साउंड बार कौन सी है, किस में सबसे अच्छा साउंड सिग्नेचर आपको मिलता है, किस में सबसे अच्छी सेपरेशन और मूवीज देखते समय आपको वोकल क्लैरिटी किस साउंड बार में सबसे अच्छी मिलती है, तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने स्टाइल में VM1 स्टाइल रिव्यू एंड कंपैरिजन ऑफ बोथ दी साउंड बार्स। आप में से कई लोग बोलेंगे सोनी इज सोनी, उसका कंपटीशन कैसे हो सकता है, तो मैं उन लोगों को यह जवाब देना चाहता हूं कि मैंने चश्मा जरूर पहना है लेकिन किसी ब्रांड का नहीं, मेरे कानों को अच्छा म्यूजिक समझ में आता है, मैं सेपरेशन को बहुत अच्छे से भांप पाता हूं और सराउंड साउंड की मुझे समझ है। उसके बेसिस पे मैं आपको इन दोनों ही साउंड बार्स में क्या खूबियां और क्या खामियां हैं ये बता पाऊंगा बहुत इजीली। और ये मैंने कैसे करा, इन दोनों साउंड बार्स को खरीद के, एंड लेट मी टेल यू, सोनी का लेटेस्ट मॉडल मैंने खरीदा है S20R का, विच इज द लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड मॉडल। उसके बाद इन दोनों साउंड बार्स का बर्न इन पीरियड मैंने कंज्यूम किया, इन दोनों साउंड बार्स को अलग अलग रूम साइजेस के अंदर टेस्ट किया और उसके बाद इन दोनों ही साउंड बार्स पे एक ही वॉल्यूम और एक ही रिकॉर्डिंग डिवाइस यूज करते हुए 5 अलग अलग सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किया, 2 मूवी क्लिप्स को रिकॉर्ड किया 4 माइक्रोफोन्स यूज करके, और 4 माइक्रोफोन्स यूज करने के बाद उन ऑडियोज को सिंक करने के बाद मैंने उन्हें अपनी ड्राइव पे अपलोड किया। उन सॉन्ग्स को आप सुन सकते हैं, उसका लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सिर्फ उस लिंक को क्लिक करना है और वो आपके फोन में डाउनलोड हो जाएंगे। दोनों साउंड बार्स की एक्चुअल ऑडियो क्वालिटी आप बहुत अच्छे से जज कर पाएंगे, उसे जरूर सुनिएगा। सबसे पहले आपको दोनों साउंड बार्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूं। जेब्रोनिक्स की साउंड बार के अंदर आपको 3 ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं फ्रंट में, एक आपको सबवूफर मिलता है और साथ में 2 सराउंड चैनल्स मिलते हैं जो वायरलेसली कनेक्ट होते हैं। जेब्रोनिक्स के दोनों सराउंड चैनल्स को आपको एक वायर से आपस में कनेक्ट करना होता है और जहां पे भी आप इसे प्लेस करेंगे वहां पे आपको एक पावर कनेक्शन एक सराउंड चैनल को देना पड़ेगा, जिससे ये ऑटोमेटिकली सबवूफर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, यानी पेयर हो जाएंगे, एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन द कनेक्शन व्हाट्सोएवर। कमिंग टू सोनी, इस साउंड बार के अंदर भी आपको 3 ड्राइवर्स फ्रंट में देखने को मिलते हैं, एक सब वूफर देखने को मिलता है और 2 सराउंड चैनल्स देखने को मिलते हैं। सराउंड चैनल्स आर वायर्ड और आपको उसे सब वूफर के साथ ही कनेक्ट करना पड़ता है और साउंड बार को भी आपको सब वूफर से एक वायर के थ्रू ही कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड दैट्स अबाउट इट। जो लोग स्पेक्स जानने में इंटरेस्टेड हैं, ये रहे आपके सामने दोनों ही साउंड बार्स के स्पेक्स, और आपको जो मैक्सिमम आउटपुट मिलता है वो है सोनी में 400 वॉट और जेब्रोनिक्स में 525 वॉट। ये हैं दोनों ही साउंड बार के रिमोट कंट्रोल्स, लेकिन उसमें जेब्रोनिक्स का रिमोट कंट्रोल बहुत ही चीप क्वालिटी का है जबकि सोनी का लुक्स वेरी प्रीमियम एंड स्लिम। बहुत हो गई लुक्स की बातें, आपने 50 बार ये लुक्स देखी होंगी। अब सीधा बढ़ते हैं ऑडियो टेस्ट पे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अपनी ऑब्जर्वेशन इन दोनों ही साउंड बार्स की। आपने जो ऑडियो टेस्ट सुना उसमें आप डेफिनेटली कंफ्यूज हुए हैं। मुझे कैसे पता, क्योंकि कोई भी अगर ये ऑडियो टेस्ट सुनेगा वो कंफ्यूज ही होगा, क्योंकि उसे सोनी के वोकल्स बहुत जबरदस्त अच्छे लगेंगे जबकि ऐसा है नहीं, और जेब्रोनिक्स के वोकल्स बहुत ज्यादा खराब लगेंगे
जबकि ऐसा है नहीं। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सोनी में आपको वोकल्स जो मिलते हैं वो थोड़े से बेस के साथ मिलते हैं, यानी दे आर स्लाइटली हैवी वोकल्स एंड यू लाइक देम इफ यू हैव अ वेरी स्मॉल रूम। अगर आपका रूम थोड़ा सा छोटा है या फिर रेक्टेंगुलर शेप का है तो आपको सोनी साउंड बार लेनी चाहिए, पीरियड। इस वीडियो को यहीं बंद करिए और आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सोनी की साउंड बार छोटे रूम्स के लिए बहुत ज्यादा शानदार है और आपको जो वोकल्स और जो म्यूजिक में क्लैरिटी मिलेगी और जो मजा आएगा वो अनमैचेबल है, अनबीटेबल है। ज़ेब्रोनिक्स कहीं पे भी स्टैंड नहीं करती एक छोटे रूम को सेटिस्फाई करने के लिए। इट कैन फिल अ लॉट ऑफ साउंड इन द रूम, बट ये बहुत ज्यादा अच्छी क्लैरिटी वाली साउंड बार है, आप इसे छोटे रूम में एंजॉय कर ही नहीं सकते। और ये सोनी ने अचीव कैसे किया, मैं इसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ एक लेमैन या फिर देसी भाषा में। फ्रीक्वेंसी ग्राफ में सबसे पहले लोअर बेस आती है, उसके बाद अपर बेस और उसके बाद वोकल्स। वोकल्स और अपर बेस जहां पे मिलते हैं वो क्रॉसओवर पॉइंट के अंदर, जब फ्रीक्वेंसी का मैच बहुत ज्यादा अच्छे से करा जाता है तो वोकल्स थोड़े से हैवी भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, और वही सोनी ने करा है। ज़ेब्रोनिक्स का पूरा डीएनए ही डिफरेंट है। ज़ेब्रोनिक्स डज नॉट वर्क ऑन वेरी हैवी बेस वोकल्स, उनका डीएनए है बहुत ज्यादा क्लैरिटी देने का। इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो की सपोर्ट भी देखने को मिलती है, यानी आपको सराउंड साउंड की फीलिंग आएगी। आप छोटे से कमरे में, मैंने क्यों कहा कि ये सराउंड साउंड वाली साउंड बार छोटे कमरे के लिए खराब है, ये है कारण कि आप छोटे से कमरे में जब सराउंड साउंड वाली साउंड बार से कभी भी म्यूजिक सुनेंगे तो आपको बेकार म्यूजिक ही सुनाई देगा। आपको जो सराउंड चैनल्स हैं वो कभी सिंक में लगेंगे ही नहीं, आपको लगेगा कि उनमें से आवाज अलग आ रही है और साउंड बार में से अलग आवाज आ रही है, इसलिए आपको उनमें लैग समझ में आएगा, जबकि देयर इज नो लैग, एब्सोल्युटली नो लैग एट ऑल। एक और चीज जो ज़ेब्रोनिक्स में बहुत ज्यादा शानदार है वो है उसमें लोअर बेस का बहुत स्ट्रांग होना। अपर बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ज़ेब्रोनिक्स ब्रांड का, इनके डीएनए में ही अपर बेस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दी जाती, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट ज़ेब्रोनिक्स साउंड बार, क्योंकि लोअर बेस से आपको जो बेस फील होती है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको सोनी में अपर बेस ज्यादा मिलेगी, लोअर बेस है लेकिन थोड़ी कम इन कंपैरिजन विद द अपर बेस। अपर बेस से आपको बहुत ज्यादा बूम बूम ऐसी आवाज आएगी, एंड दैट इज प्रेफर्ड बाय मेनी ऑफ यू। अगर आपको वैसी साउंड बार पसंद है या फिर वैसी ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद है, देन गो फॉर दिस वन। एक और चीज जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है वो है ज़ेब्रोनिक्स की साउंड बार में आपको साउंड स्टेज बनाना ही पड़ेगा, एंड दैट टू अ लिटिल वाइडर साउंड स्टेज। अब इसका क्या मतलब है, ये है सराउंड चैनल्स। सराउंड चैनल्स को आप जब तक ज्यादा वाइड नहीं रखेंगे आपको वो सराउंड इफेक्ट कभी भी नहीं मिल पाएगा इस साउंड बार से जो ये कैपेबल है, जबकि सोनी साउंड बार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोनी की साउंड बार को आप एक छोटे से रूम में भी रखेंगे तो भी ये रूम फिल करेगी साउंड से, आप इसे बड़े रूम में भी रखेंगे तो भी ये साउंड बार पूरे रूम को अपनी ऑडियो से फिल करेगी। You will not really feel the surround effect in this particular soundbar. इसके 400 watt के total output में आपको वो दम नहीं लगेगा, surround का दम जो आपको मिलना चाहिए, लेकिन 525 watt के total output वाली ज़ेब्रोनिक्स soundbar आपको थोड़ा सा surround effect दे पाएगी। और मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि आपको इसे एक बड़े रूम में लगाना चाहिए, तब आप इसे एंजॉय कर पाएंगे विद दी सराउंड चैनल्स स्पेशली, क्योंकि ये ड्राइवर्स 9400 ज़ेब्रोनिक्स साउंड बार से बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये बिल्कुल अलग साउंड बार है। कई लोग ये मिस्टेक करते हैं कि 9400 और 9500 बिल्कुल सेम साउंड बार्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास दोनों साउंड बार्स हैं और ड्राइवर्स में जमीन आसमान का फर्क है, एंड दिस इज सर्टनली अ बेटर साउंड बार देन 9400। ये बातें जो मैं बोल रहा हूं ये आपको पता कैसे चलेंगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिया है ऑडियो फाइल्स का, उसमें दो मूवी क्लिप्स की ऑडियो फाइल्स भी हैं। आपको एक ऑडियो फाइल मिलेगी स्पाइडरमैन मूवी की और दूसरी मिलेगी एवेंजर्स की, दैट इज माय फेवरेट। आप उसे दोनों को जरूर सुनिएगा। स्पाइडरमैन को मैंने इस जगह शूट किया था। हाँ, रूम थोड़ा छोटा है,
हमारा ऑफिस है और हमने यहाँ रिकॉर्ड इसलिए किया था क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके घरों में अकूस्टिक पैनल्स नहीं लगे, आपके रूम स्टूडियोज की तरह नहीं बने, और अगर मैं यहाँ पे इस साउंड बार को आपको रिकॉर्ड करके सुनाता तो शायद आपको वो ऑडियो क्वालिटी कभी भी नहीं मिलती जो आपके घरों में आपको ये साउंड बार्स दे सकती हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर क्लिप को मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था। लेकिन जो एवेंजर्स की क्लिप आप सुनेंगे उसे मैंने प्रॉपर साउंड स्टेज क्रिएट करके एक बड़े बेडरूम के अंदर साउंड बार्स को रख के उसके बाद रिकॉर्ड किया था। और उसका मेरा करने का कारण यह था कि दोनों ही सराउंड चैनल्स के बीच में कम से कम 12 से 15 फीट का गैप दे सकूं, उससे आपको यह समझा सकूं कि सराउंड साउंड साउंड स्टेज से ही बनती है, आपको छोटे रूम में सराउंड साउंड नहीं मिलने वाली है। इन दोनों क्लिप्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको यह बात समझ में आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन दोनों में से म्यूजिक के लिए कौन सी साउंड बार सबसे ज्यादा अच्छी है? Only one answer, Sony. Sony is far better than Zebronics. हाँ मुझे पता है कि आपको हाइज बहुत ज्यादा अच्छे Zebronics में मिलते हैं। हाँ मुझे पता है कि Sony के अंदर आपको बहुत ज्यादा अच्छे हाइज नहीं मिलते। ये साउंड बार थोड़ी सी मफी, थोड़ी सी घुटी हुई या फिर थोड़ी सी ज्यादा बेस के ऑडियो के साथ आती है, वोकल्स के साथ आती है। बट दैट इज वॉट वी वॉन्ट इन आर सॉन्ग्स। यही हमें अपने सॉन्ग्स में चाहिए होता है। ऐसे ही ऑडियो को हम सभी पसंद करते हैं, एंड आफ्टर ऑल बेबी को बेस पसंद है, एंड दैट इज व्हाट वी वांट। हम सभी को एक ज्यादा बेस वाले सॉन्ग्स पसंद हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे सॉन्ग्स पसंद हैं जिसमें थोड़ी कम बेस आए या फिर एक्चुअल बेस आए, आपका रूम बहुत ज्यादा वाइड है और आपके रूम में कम से कम 12 से 15 फीट का साउंड स्टेज क्रिएट करने की जगह है, देन डू नॉट बाय सोनी, Only by Zebronics 9500 Pro, क्योंकि यही साउंड बार आपको एग्जैक्ट ऑडियो क्वालिटी दे पाएगी जैसी वो रिकॉर्ड हुई होगी ऑडियो स्टूडियो में या फिर साउंड स्टूडियो में। ये रहे इन दोनों ही साउंड बार्स के आज की डेट के प्राइस, और जाते जाते मैं आपको सेपरेशन के बारे में बताता हूं। इन दोनों ही साउंड बार्स में आपको जैसी भी मिलती है, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था, इन दोनों ही साउंड बार्स में जो कि 17-18,000 रुपीस के आसपास हैं, आपको इतनी खास सेपरेशन देखने को कभी भी नहीं मिलेगी। रादर किसी भी साउंड बार में इस प्राइस रेंज वाली आपको सेपरेशन इतनी शानदार देखने को नहीं मिल सकती। आप थोड़ा सा उसे फील कर सकते हैं दोनों ही साउंड बार्स में, सोनी में थोड़ा कम लेकिन Zebronics में उससे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि इसकी जो हाई नोट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से डिलीवर होते हैं, क्योंकि इसमें हाइज बहुत अच्छी हैं। इट्स एज सिंपल एज दिस। लेकिन इसमें हाइज क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, तो आपको इसमें सेपरेशन भी बहुत कम देखने को मिलती है। यू विल फील कि सामने वाले ड्राइवर में यहाँ पे लेफ्ट राइट हो रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, बट नॉट दैट काइंड ऑफ सेपरेशन जो आपको एक्चुअली बहुत ज्यादा सराउंड साउंड में फील होती है। वो सेपरेशन इन दोनों ही साउंड बार से आपको कभी भी नहीं मिलने वाली। सो डू नॉट हैव रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दीज साउंड बार्स। और दोस्तों जाते जाते आपको एक और बात बताता हूं, आपको साउंड बार एक अच्छे मूवी थिएटर जैसे एक्सपीरियंस के लिए चाहिए होती है। एक साउंड बार कभी भी म्यूजिक एंजॉय करने के लिए नहीं खरीदी जाती, तो ये बात का ध्यान रखें, आपको एक अच्छा 2.1 सिस्टम लेना चाहिए म्यूजिक एंजॉय करने के लिए, 5.1 नहीं। इन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी परचेज को पूरा करिएगा मेरे लिंक से, क्योंकि इसी जरिए से हम लोग कमाते हैं, आपके लिए एक ऐसे रिव्यू को लेके आते हैं जिनमें हम प्रोडक्ट्स को खुद खरीदें बिना किसी ब्रांड के दबाव में आए, आपको ऐसा रिव्यू दिखाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और अगर आपका कोई सवाल हो जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं साउंड बार के बारे में या किसी और चीज के बारे में, तो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप आ सकते हैं मेरी सोशल मीडिया हैंडल्स पे, वहां मुझे DM कर सकते हैं और मैं आपका रिप्लाई 48 आवर्स के अंदर करूंगा ही करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।